नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस गाड़ी पर कितना चलान है, और अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो आप खुद से ही जानना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी पर कितना चलान है, तो काफ़ी आसान तरीके से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जिस गाड़ी का चलान चेक करना है उस गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच नंबर या इंजन नंबर के आखिरी पांच नंबर जो कि आपकी आरसी की डिटेल पे मिल जाएगी को नोट कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल पर ई चलान लिखकर सर्च करना है तो आपके सामने ई चलान परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी। तो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट को हमको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है उसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो खुल के आ गई। यहाँ देखिए लिखा ई चलान डिजिटल ट्रैफिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट सॉल्यूशन, और इसके नीचे देखिए दिया गया है चलान डिटेल्स। चलान डिटेल्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो है चलान नंबर, जो दूसरा ऑप्शन है वो व्हीकल नंबर का है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का है। तो हमको गाड़ी के चलान को गाड़ी पर कितने चलान है यह चेक करना है, तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन हमको सेलेक्ट कर लेना है। जब हम सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो पहला फोल्डर खुल के आएगा उसमें व्हीकल नंबर भरना होगा, उसके नीचे चेसिस नंबर के लास्ट फाइव कैरेक्टर मांग रहा है और आर लिखा हुआ है, यानी चेसिस नंबर या इंजन नंबर दोनों में से एक ही को भरना है। तो मैं भर लेता हूं गाड़ी का जो नंबर है जिसको मुझे सर्च करना है, और उसके बाद चेसिस नंबर के लास्ट जो फाइव कैरेक्टर हैं उसको भरना होता है। दोनों में से कोई भी आप भर सकते हैं, तो मैं चेसिस नंबर को सबमिट कर देता हूँ। इसको भरने के बाद इंजन नंबर का कॉलम की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से एक ही सबमिट करना है। सबसे नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को सबमिट करके गेट डिटेल्स बटन को प्रेस करना है। तो हमारे सामने गाड़ी पे जितने चलान हैं पूरे चलान सामने आ जाएंगे, पूरी डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। और जब आप स्टेटस वाले कॉलम को चेक करेंगे तो उसके सामने या तो पेंडिंग शो कर रहा होगा या डिस्पोज्ड शो कर रहा होगा। पेंडिंग का मतलब है अभी इस चलान का भुगतान नहीं हुआ है, और डिस्पोज्ड अगर शो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि चलान भरा जा चुका है। डिस्पोज्ड के संबंध में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं, अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ई चलान के अलावा दिल्ली में कैमरे के चलान होते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एक वेबसाइट होती है, उस पे उस चलान को चेक किया जाता है। तो उसके संबंध में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको दे रहा हूँ आई बटन में उसका लिंक। आप उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को देख के उस चलान को कैसे चेक करना है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ट्रैफिक चलान से संबंधित अपडेट रहने के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप चैनल दीक्षित लीगल एड पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।